டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12வது வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். Hello students, there is a question given. If a, 8, 6, b represent in identity function, then the value of a and b are respectively क्या होगा, अपने को ये बताना है. Guys, ये जो आपका order pair given है ना, तो order pair जो है वो आपका क्या है, identity function को represent कर रहा है. तो order pair क्या होता है, x, y होता है, ठीक है. यानी यहाँ पर ये जो x, y है ये आपका एक अगर identity function है, then आपकी function क्या होती है, fx is equal to में x, यानी जो आपकी y की वैल्यू होती है ना, y is equal to में fx होता है, तो जो आपकी y होती है वही आपकी क्या हो जाती है, x हो जाती है, ठीक है. यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे ना, वही वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी. यानी ये दोनों क्या है, आपके आइडेंटिटी फंक्शन है. यानी a कॉमा 8 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका fx is equal to में x है. यानी हम लोग x की वैल्यू a पुट करेंगे, यानी f of a, तो f ऑफ a इज इक्वल टू में अपने को क्या मिलेगा, अपने को a ही मिलेगा. एंड ये जो a है यानी जो y है वो अपने को यहाँ से देख सकते हैं कि 8 की इक्वल गिवन है, यानी a की वैल्यू अपने को 8 मिल गई, ठीक है. और अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे ऑर्डर पेयर की, तो दूसरा ऑर्डर पेयर आपका देख सकते हैं 6, b गिवन है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्लेस पर जो होता है वो x होता है, इस प्लेस पर जो होता है वो आपका क्या होता है, y होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी फंक्शन ये भी आपकी आइडेंटिटी है, यानी fx is equal to में x, यानी x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, ठीक है. यानी f ऑफ 6, तो ये f ऑफ 6 यानी x जो पुट करे वही अपने को मिलती है, जो कि आपकी क्या हो गई, 6. और ये जो वैल्यू हो गई, वो जो y की वैल्यू हो गई, वो आपकी यहाँ पर गिवन है किसके इक्वल है, b के इक्वल. यानी b की जो वैल्यू मिल गई अपने को 6 के इक्वल मिल गई. यानी फाइनली अगर हम लोग a एंड b की वैल्यू देखें, तो a आपका किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल, एंड b आपका क्या हो गया, 6 के इक्वल. यानी 8, 6 आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर. बाई ऑप्शन चेक करें, अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है. थैंक यू.